बैटरी नहीं लगाए है ना। हेलो 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 One point, dear Nath. Wait, wait. नरेंद्र की कमी खल रही है टीम में और यहाँ भरत एक के बाद एक दो पॉइंट लेकर आए हैं। आगे जाके नीतू उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे सेंटर लाइन के पास, इतनी पास कि ये पॉइंट तो जैसे उन्होंने फ्री में भरत को दे दिया हो। द प्रेशर ऑफ द टूर्नामेंट ऑलवेज गेट्स टू यू अपर्णा एंड यू नो यू आर सीइंग द यंग लैड्स। सुपर टेकर टू फाइन परवेन एकेडमी। यू नो दैट रीप्ले वाज एक्साइटिंग टू सी बिकॉज़ यू केप्ट सीइंग हाउ डू और डाई रेड पर गोल्ड ही आए थे लेकिन टैकल कर लिए गए परवीन एकेडमी के डिफेंडर द्वारा। गोल्डी टच लगाने का प्रयास कर रहे थे, सामने से मोहित आए, ब्लॉक किया, विनय ने उस टैकल को कंप्लीट किया। परेड कर रहे हैं आखिरी खिलाड़ी है और अगर यहाँ पे नवीन को टच पॉइंट नहीं मिला तो डीएनएच फाउंडेशन इस मैच में ऑल आउट हो जाएगी और यहाँ पे नवीन स्लिप हुए। ऑफिशियल टाइम आउट। क्या यहाँ पे नवीन क्लेम कर रहे हैं कि बिना टच के वो बाहर गए और उनके पीछे पीछे डिफेंडर बाहर गए। अगर यहाँ पे नवीन लॉबी पे नवीन का पैर गया डिफेंडर से पहले और उसके बाद फॉलो थ्रू आया, डिफेंडर को अगर टच नहीं हुआ था जब तक नवीन एकेडमी और भारत को यहाँ पे टैकल करने के लिए साहिल आए लेकिन भारत अपने लंबे कद का इस्तेमाल करते हुए एक के साथ दूसरे डिफेंडर को जो सपोर्ट करने के लिए आए थे। देखिए साहिल सामने आए और साहिल का सपोर्ट करने के लिए जैसे नंबर टू में अंकित आशीष आए थे, दोनों को लेकर सेंटर लाइन क्रॉस करी और डाई रेड में नवीन आगे आकर टैकल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन साहिल सागर माफी चाहती हूँ सागर यहाँ देखिए कित आगे गए और पॉइंट लिया गया है। आप ऑडियंस में देख सकते हैं राम महर सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं, यूपी युद्ध के कोच भी बैठे हुए हैं। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ प्रोफेशनल टीम्स के फ्रेंचाइजीज इन प्लेयर्स को इन यंग प्लेयर्स को खेलता हुआ देख रहे हैं और वहाँ यहाँ से नए प्लेयर्स चूज कर रहे हैं। खेते हुए सागर को टैकल करने के लिए एक नहीं दो पॉइंट सागर। नंबर टू एंड फोर आउट।
देखिए, एक रेडर को टैकल करने के लिए दो डिफेंडर आए और दोनों को ही एक साथ लेकर सागर सेंटर लाइन क्रॉस करके गए। यहाँ पे रिव्यू मांगा गया है डीएनएच के द्वारा, डीएनएच फाउंडेशन। प्रतीक दहिया क्वाइट, भरत अरुण आल्सो हैज बीन हैविंग अ रीजनेबल मैच बट दे आर स्टिल कीपिंग हिम आल्सो अंडर कंट्रोल। I think having a defense with absolute clarity, and as I speak of the Parveen and Jasveer Academy defense, Sahil comes in and puts that tackle. This for me is the big worry with the Parveen and Jasveer Academy. Sahil has these good games and he has a lot of error prone games. Like that tackle was just a nothing tackle. With the radar of the height of Pratik, actually with the radar of even my height, if you catch him at that point, koi bhi cross kar lega. That was just almost... डिफेंडर का नी बाहर था और उस नी को उन्होंने अटैक किया। देखिए, नीचे झुके, सीधा नी पे अटैक किया और पॉइंट लेकर वापस गए। As Himanshu comes in for a do or die raid, six people on mat, so Himanshu can try for a bonus, Aparna. Fantastic, effortless stretch of his hands, taking out the right cover. And that touch point brings back Sagar Malik also. So if you are the Parveen and Jasveer Academy, you will feel nice and confident. Not only have you got the point on the do or die raid, you have brought back, you know, your in-form raider, Sagar, who's now standing in right cover, the role that Mohit was doing. Bonus point, DNF. Very quick, easy, safe bonus taken by Bharat. It would have made a lot more sense for Sahil to attack. Because if he had gone out, they would have had a super tackle situation anyway. Fantastic, extreme swift movement by Sagar Malik. Exceptional play there. Extends his toe. Catches the right corner. Monu off guard fully. Beautiful move. इसी के साथ परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने दूसरी बार डीएनएच फाउंडेशन को इस मैच में ऑल आउट किया। You know that raid by Mohit for me is really the raid of the match, Aparna. When you come in as a, you know, you are playing as an all-rounder for your team, not only are you putting in crucial raids, you are putting it in when there are two defenders so well. How he pushed both defenders into one corner, it was a great moment, Aparna. Watching your cover defender step in, play the role assigned to him of a all-rounder. Back hold Monu ke dwara Sagar par, ab tak Sagar मोनू को बार बार अपने अटैक का शिकार बना रहे थे, लेकिन इस बार खुद शिकार बन गए। देखिए किस तरीके से पीछे से आए, सागर की नजर भी नहीं थी, मोनू ने वहां पे बैक होल्ड किया शानदार और सागर को मैट से बाहर भेजा। अपन आई हियर फ्रॉम द टीम दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस प्लेयर्स। See, this is why you want a raider of the caliber of Pratik on mat. He should not be putting in tackles and losing himself. Because, you know, in that odd position when he comes in and takes out both the corners with a raid of that caliber, this is now just set the team up. Oh! Really good job by Himanshu there, getting the tackle in. Both Himanshu and Ashok catch Bharat by the ankle. Absolutely no opportunity. With both ankles gone, there is no thrust that Bharat can generate. Even with that long height of his, you know, there is only so far the body can reach.
अभी अगर भरत के हाथ जैसे हमारे मूरख सिंह ने बोला था कानून जैसे लंबे होते तो यहाँ रेडिंग में इससे पहले शानदार 2 पॉइंट लेकर गए और परवीन एंड जसवीर अकेडमी को ऑल आउट के कगार पे ला खड़ा गया। यहाँ मोहित राइट कॉर्नर की पोजीशन पे खेल रहे हैं, क्या यहाँ पे पॉइंट लेकर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपर टैकल एक और शानदार, लगातार दो सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स परवीन एंड जसवीर अकेडमी अपने खाते में जमा करते हुए। See, look at that, Aparna. Look at how deep Deepak Parthik Dahiya is right now from the Deepak Niwas Hooda Foundation. If you are a raider and you see a different DNH Foundation, they're trailing 14 points. There's less than 2 minutes to go. I can't see them even close to enforcing an all-out unless they're able to get a multi-point raid somehow. 1 point DNH. And they need one all-out right now to even take away 1 point from this game. Sagar Malik puts in the run. And defense takes him out. 1 minute 30 seconds to go in the game. हम उनको फाइनल्स में ज़रूर देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इस जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस आ जाता है प्लेयर्स में कि हम जीत गए हैं और अब हम फिर से अपनी विनिंग स्ट्रीक पर हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए प्लेयर के अंदर इस समय पे। परवीन एंड जसवीर एकेडमी विल नाउ प्ले द नरवा स्पोर्ट्स एकेडमी टुमारो। दे आर आउट ऑफ अ रेस फॉर द सुपर सिक्स विद देयर लॉस टुडे, सो दे आर यू नो ऑनेस्टली गोइंग टू बी अ फेयरली ईजी गेम unless they look to play spoil sport. So you will see the Parveen and Jasveer Academy with the four